हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टीम एमसीक्यू। और एसएससी का ये जो नोटिस आया है 2022 का रिगार्डिंग डीवी, इसके बारे में क्या है कुछ बात कर लेते हैं। एंड बहुत सारे मैसेजेस ऑलरेडी कट ऑफ के लिए भी आ रहे थे, लेकिन जो डीवी का ये जो नोटिस आया है पहले इसके लिए बात कर लेते हैं, इसका देख लेते हैं। जो नोटिस है ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या है मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं ये नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या है अवेलेबल है, तो वहाँ से नोटिस आप देख सकते हैं। ये नोटिस सिंपली वहाँ पर है ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो मैं इसको आपको थोड़ा हिंदी में समझा देता हूँ कि ये जो नोटिस है इसका मतलब क्या है और कैसे ये यहाँ पर इसका मतलब जो है पूरा वो क्या है। तो मैं बता देता हूँ, पहले ही मैंने क्या है टेलीग्राम पर डाल दिया था कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो किस तरह के से होना है। तो यहाँ पर जो मैंने इसको चेंज किया है ट्रांसलेशन के थ्रू, उसके थ्रू क्या है, लेकिन आपको पूरा कवर मैं यहाँ पर कर दूँगा। जो चीज़ें हैं वो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि चीज़ें क्या है। वेट ए मिनट। यहाँ से जो आपका एडवर्टीज़मेंट निकला था 16/12/8/2022 को एडवर्टीज़मेंट निकला था, और आप देखें कि कितना फास्ट मोड में क्या है सारे काम हो रहे हैं। 12/8/22 को एडवर्टीज़मेंट निकला, इसके बाद जो पेपर है 14 से 16 तारीख तक क्या है पेपर हुए एसएससी के, चाहे किसी भी ब्रांच के हों तब तक हो गए थे। इसके बाद क्या है 18/1 को जो रिज़ल्ट है स्टेज उनका क्या है वो अनाउंस कर दिया गया। इसके बाद जो पेपर टू है वो 26 को हो गया। तो आप यहाँ से देखें कि 12/8 से लेकर और लगभग 26/2 तक क्या है ये पेपर टू भी हो गया। इसके बाद अब इन्होंने क्या है डीवी के लिए क्या है यहाँ पर एक नोटिस दिया है, क्योंकि ये नोटिस इसलिए ज़रूरी होता है कि इससे पहले क्या है जो डीवी था उसकी डेट क्या है बाद में आती थी एंड शॉर्टलिस्टेड किए जाते थे बच्चे ज़्यादा। बट इस बार जो है वैकेंसी के लिए मैं बता देता हूँ, जो वैकेंसी रहेंगी यहाँ डिपार्टमेंट शायद पहले वैकेंसी क्लियर नहीं करेगा, सीधे क्या है वैकेंसी के थ्रू जितनी वैकेंसी रहेंगी और जितने बच्चे रहेंगे उतने बच्चे क्या है डायरेक्टली वो ले लेगा। माने कि 5 वैकेंसी थी, 5 बच्चे वो सीधे क्या है ले लेगा वहाँ से। कोई शॉर्टलिस्टेड मतलब शायद अभी इससे क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वेटिंग रहेगी नहीं रहेगी, क्योंकि पहली बार है। बट अगर किसी ने CGL या CHSL दिया था उसमें भी यही रूल फॉलो हुआ था, उसके अकॉर्डिंग क्या नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने जो नोटिस डाला है वो इसलिए डाला है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स क्या है तैयार करवा लें, जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैं बता देता हूँ। वो MCQ पर मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, शेयर किया हुआ है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्या है आपके पास होने चाहिए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मस्ट हैं। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं इसके लिए क्या आप ये वीडियो फॉलो कर सकते हैं। ये यहाँ पर मैंने क्या है MCQ पर ये वीडियो डाला हुआ है कि जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो इसके थ्रू क्या आप फॉलो कर सकते हैं यहाँ से। तो इस वीडियो में आपको ये नज़र आ जाएंगे, यहाँ से आप इन डॉक्यूमेंट्स क्या फॉलो कर लें। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप पूरे कवर करने के बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। अब थ्रू डेटा पे चलते हैं थोड़ा, जो जिन बच्चों का था कि जो डेटा मतलब है वो रेस्पॉन्स आपने दिए थे उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखें जो ऑलमोस्ट रेस्पॉन्स हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अभी तक लगभग 891 बच्चों के क्या है रेस्पॉन्स आ चुके हैं, और मैं होप कर रहा हूँ कि अगर आपने गूगल फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप ये गूगल फॉर्म क्या है फिल कर दें। और गूगल फॉर्म फिल करने के बाद क्या है आपके जो भी मार्क्स हैं जो भी स्कोर है वो क्या है आपको बता दिया जाएगा, कट ऑफ वगैरह जो भी मतलब एक्सपेक्टेड रह सकता है। बट मिनिमम आप गूगल फॉर्म सभी क्या है फिल करें, कम से कम 50% एंट्रीज होनी चाहिए, या फिर जो सीरियस बच्चे हैं वो 50% से ज़्यादा मतलब कि वो लगभग 90% सीरियस एस्पिरेंट्स क्या है गूगल फॉर्म फिल कर दें तो कुछ बोल पाना ईजी रहेगा। अदरवाइज़ डीवी का तो चल ही रहा है और बाकी आगे देखते हैं कि क्या चीज़ें रहती हैं। तो चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लें एंड टेलीग्राम पर क्या है आप कनेक्ट हो जाएँ। सो टेक केयर, सी यू सून, बाय।